हाय फ्रेंड, मैं सुरभि आपका स्वागत करती हूँ डिलेसेस किचन बाय सुरभि में। आज हम बनाने वाले हैं पूरी राजस्थानी दाल बाटी, चूरमा, बाफला, आलू की सब्जी, कढ़ी, लहसुन की चटनी। पूरी थाली मैं आपको सजा के बताऊंगी जो बहुत फेमस है राजस्थान में और बहुत ही टेस्टी है। तो उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले हम आटे लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी बाटी का आटा, उसके बाद लगाएंगे वाफले का आटा। और आप देखें, ये वीडियो लंबी ज़रूर होने वाली है, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में एकदम अच्छी तरीके से बताऊंगी, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बाटी के लिए आटा ले रहे हैं। इसमें लगभग हम ले लेंगे 300 ग्राम आटा। ये मैं करीब करीब 4 बड़े चम्मच आटा ले रही हूँ। आप देखें, ये मैंने आटा ले लिया है। करीब करीब ये 250 से 300 ग्राम 300 ग्राम की क्वांटिटी में है। अब इसमें हम मिलाएंगे अपना सूजी। आप देख सकते हैं, ये सूजी मिला रही हूँ। इसमें 2 चम्मच हम मिलाएंगे सूजी। ये सूजी भी मुझे मोटी वाली चाहिए। और आप आटे का भी विशेष ध्यान रखें कि ये मोटा आटा होगा तो काफी अच्छा होगा। तो अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और इसमें ये देखें, 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ सोडा फूलने के लिए। ये सोडा है। और करीब आधी चम्मच में इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। ये देखें, ये अजवाइन हो गई है। और अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा हल्का सा होल करके, गड्ढा करके, अब इसमें हम डाल देंगे देसी घी का मोई। ऑप्शन है, आप तेल का भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी का मोई। तो ये लगभग 300 ग्राम आटे में हम लोग डालेंगे 3 चम्मच घी। और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमें इस तरीके से मिक्स करना है कि आटे की मुट्ठी बन सके। तो फ्रेंड, ये देखें, ये मैंने आटा लगा दिया है। और ये देखें, इस तरीके से आटे में मुट्ठी बन जानी चाहिए। इस टाइप का हमको मोयन चाहिए। अगर 3 टेबल स्पून आपका घी पूरा नहीं हो रहा है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून घी और डाल लें और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमें इसको आटा लगाना है, लगभग जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं। ये गुनगुने पानी से मैं आटा इसका लगा रही हूँ। ये आप देखें, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें और इसे पूरी के जैसा आटा लगाते हैं उस तरीके का डो लगा लें इसका। और बहुत टाइट ना लगाएं, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है तो वो फूलेगी। तो आटा आप सॉफ्ट ही लगाएं, ज़्यादा टाइट ना लगाएं। सो फ्रेंड, ये देखें, ये डो मैंने इसका लगा लिया है। और अब मुझे इसको करीब करीब 10 से 15 मिनट तक सेट करने के लिए रख देंगे। तो इस तरीके का आप सॉफ्ट डो बना लें, ज़्यादा टाइट ना बनाएं। आप देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी फूलेगा भी। तो मैं इसको रख देती हूँ 10-15 मिनट रेस्ट के लिए। सो फ्रेंड, अब हम बनाएंगे बाफले का आटा। तो बाफले के आटे के लिए मैं ये ले लूँगी करीब 200 ग्राम के करीब आटा। और इसमें जाएगा हमारा मक्का का आटा। 2 टेबल स्पून मक्का का आटा डाल रही हूँ मैं इसमें। सो अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सूजी। ये मैंने इसमें सूजी डाल दी है। अब हम ले लेंगे इसमें दही। दही हमें क्वांटिटी में ज़्यादा लेना है, तो करीब करीब मैं इसमें ले लूँगी 100 ग्राम के करीब दही। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसमें दही ले लिया है अच्छे से। और अब इसमें मसाले भी डालेंगे हम लोग। ये देखें, ये धनिया है, खड़ा हुआ धनिया है, इसको मैंने कूट लिया है। तो थोड़ा सा इसमें डालेंगे धनिया, थोड़ी सी जाएगी इसमें अजवाइन। ये देखें, ये मसाला बाफला है तो उसमें मसाले सब अच्छे से पड़ते हैं। स्वाद के अनुसार नमक, ये आप देखें। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे सोडा, बहुत थोड़ा सा, 2 चुटकी सोडा डाल रही हूं मैं इसमें।
साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, एक पिंच हल्दी डालना है, और ये है मिर्ची, थोड़ी सी इसमें डालेंगे मिर्ची, और हल्की सी इसमें जाएगी बहुत थोड़ी सी हींग, ये देखें थोड़ी दो पिंच में इसमें हींग डाल रही हूँ। मोइन के लिए जाएगा इसमें घी, तो हम इसमें थोड़ी सी स्पेस कर लेते हैं और इसमें डालेंगे घी। तो इसमें आप करीब करीब दो टेबल अच्छे से भर के देसी घी डालें तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है घी, और इसको अच्छे से मिक्स करके और सॉफ्ट मार लेंगे, जैसे रोटी का डो होता है उस टाइप से। ये देखें, ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसे गुनगुने पानी से एक रोटी के डो की तरह मार लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने दही डाला है तो पानी की मात्रा कम डलेगी, तो आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। ये भी हमें सॉफ्ट ही मारना है, ज्यादा टाइट नहीं मारना है। आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से सॉफ्ट कर रही हूं, और इसको अच्छे से मिक्स करके और एक 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। सो फ्रेंड, ये देखें, ये हमारा बाफले का डो बिल्कुल रेडी हो गया है, और इतना ही हमें सॉफ्ट करना है, ज्यादा टाइट ना करें, है ना। तो ये इस तरीके का डो मार के इसको 10 मिनट हम रेस्ट के लिए रखेंगे, और फिर करेंगे हम इसको स्टीम। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मैंने बाफले के राउंड बना लिए हैं, और अब ये मैं इसमें कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया था पहले से, और इसके अंदर मैंने एक पत्ता लगा दिया है, केले का पत्ता लगा दें, या अगर आपके पास कोई पुरानी पत्तल रखी हो तो वो पत्तल को इसके नीचे रख दें, जिससे क्या होगा कि जो हमारे बाफले हैं वो कढ़ाई में नहीं चिपकेंगे। और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा लगा दिया है ऑयल, और इस तरीके से ऐसे राउंड करते हुए ये बाफलों को हम इसमें ऐसे रख देंगे पत्ते के ऊपर। ये आप देख सकते हैं ये बाफले मैं इसके ऊपर अच्छे से सेट कर रही हूं। ये आप देखें, ये इस तरीके से हमने अपने बाफले इसमें रख दिए हैं। थोड़ा पत्ता अगर इधर हो आगे पीछे तो आप इसे सेट कर सकते हैं, और इसे हम रख देंगे कम से कम 10-15 मिनट स्टीम करने के लिए। तो ये मैं इसको रख रही हूँ स्टीम के लिए। सो फ्रेंड, अभी हमारे बाफले जब तक बॉईल हो रहे हैं तब तक हम बनने रख देंगे दाल। दाल बाटी में हमेशा 5 तरह की दाल जो लेते हैं उसको बॉईल करते हैं, तो इसमें मैंने ले लिए थोड़ी सी मूंग की दाल, ये तुअर की दाल, ये चने की दाल, और उड़द की दाल की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो ये मैंने लिए उड़द की दाल, और ये है मसूर की दाल। ये पांचों दालों को मैं अच्छे से वॉश करके और एक सीटी दिला दूंगी। सो फ्रेंड, ये देखें मैंने दाल अच्छे से धो ली है, अब इसमें हम डाल देंगे पानी। ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा देसी घी। अब इसमें मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा हल्दी, और ये स्वाद के अनुसार नमक। अब इसको हम एक अच्छे से सीटी लगा देंगे। ये देखें, ये इसमें मैं एक सीटी लगा दूंगी। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये वाफले हमारे बिल्कुल खदक के और एकदम फूल गए हैं और अच्छी तरीके से ऊपर आ गए हैं। तो लगभग इनको रखे हुए 5-7 मिनट हो गए हैं, और 2-3 मिनट रखने के बाद मैं इसको हटा दूंगी। आप ये देखें कितने अच्छे से ये फूट रहे हैं और बहुत ही बढ़िया बन रहे हैं। तो और इनको मैं 2-3 मिनट के लिए रख दूंगी।
अब हम तड़का लगाने जा रहे हैं अपनी कड़ी का। तो आप देखें, ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा तेल। ये एक कप हमारा दही है जो मैंने अच्छे से इसकी छाछ बना ली है, और इसमें मैं डाल दूंगी लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून दही बेसन। इसमें 1 से 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ बेसन, और इसको अच्छे से इसमें फेंट लूंगी, कोई लम्स ना रह जाए, इसे आप अच्छे से फेंट लें। तो फ्रेंड्स, आप ये देखें, मैंने इस तड़के के लिए ले लिए लाल मिर्ची, अदरक हरी मिर्ची का पिसा हुआ, एक कुटा हुआ सामग्री है, ये हींग है, ये थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, ये कड़ी पत्ता है, ये अजवाइन है, और ये है दाना मेथी। तो ये जो 7 आइटम हैं, इसके मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं, और इनसे मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तो ये सभी चीज़ों को एक साथ मैं इसमें डाल दूंगी। और हल्का सा हम इसको अलट पलट कर देंगे। आप देख सकते हैं, अच्छे से इसको अलट पलट करके सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी। बहुत थोड़ी हल्दी डालनी है मुझे, बहुत ही थोड़ी, आप ये देख सकते हैं। और थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे ये देगी मिर्च। अब इसके बाद थोड़ा सा मुझे इसमें डालूंगी पानी, जिससे कि कड़ी फट ना जाए। तो ये मैंने इसमें डाल दिया पानी। अब ये इसमें मैंने जो छाछ में बेसन घोला था, एक कटोरी दही में 2 टेबल स्पून मैंने बेसन घोल लिया था, अब मैं इसको इसमें डाल दी। ये देखें, ये कड़ी में मैंने थोक लगा दिया है, तड़का दे दिया है। अब इसे हमें बॉईल आने तक कंटिन्यूस चलाना पड़ेगा, तभी हमारी कड़ी फटेगी नहीं, नहीं तो वो फट जाएगी। तो इसे बराबर हम चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें एक खदक ना आ जाए। तो फ्रेंड, आप ये देखें, हमारी कड़ी में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब इसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे, और इसको रख दूंगी मैं धीमी आंच पर बॉईल करने के लिए। ये देखें, और अब आप देख सकते हैं, ये जो बाफले हमने बनाए थे वो बहुत अच्छे से फूल गए हैं, और अब इनको मैं एक प्लेट में ठंडा करने के लिए निकाल लेती हूँ। तो ये देखें आप, बाफले कितने अच्छे से एकदम फूल गए हैं और फट भी गए हैं, आप देख सकते हैं ये बाफलों की। तो इनको हमें कढ़ाई में से निकाल के और ठंडा करना है। ये देखें आप, कितने अच्छे बने हैं क्लोज से, एक एक बाफला बिल्कुल फट गया है, और बहुत ही अच्छा बना है। तो आप इस विधि से ज़रूर बनाएं, और मुझे कमेंट करें कि आपके बाफले और बाटी कैसे बने। तो ये देखें, बहुत अच्छे बने हैं, और इनको मैं रख दूंगी 10-15 मिनट ठंडा होने के लिए, फिर उसके बाद हम इसे ओवन में बेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम बनाने जा रहे हैं चूरमा के लड्डू। तो इसके लिए मैं लगभग ले लूंगी 150 से 200 ग्राम आटा। ये देखें, ये लगभग हो गया 200 ग्राम आटा। अब इसके साथ में ही मुझे इसमें डालना है 1 टेबल स्पून सूजी, ज्यादा नहीं डालनी है, 1 टेबल स्पून हम डालेंगे सूजी, और 1 टेबल स्पून के करीब ही मैं डाल रही हूँ इसमें बेसन। तो ये मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। 1 चुटकी इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, बहुत कम, जस्ट 1 चुटकी। ये मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब जो इसका मेन काम है वो है घी का, तो वो मैं इसमें मोइन के लिए डाल रही हूँ, करीब करीब 4 टेबल स्पून देसी घी। ये देखें,
और अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरा जो घी है वो पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। और अगर आपको घी कम लगता है तो आप ऊपर से, क्योंकि आटे का सबका मोटा पतला आटा जैसा होता है उस हिसाब से घी लगता है, तो आप इसका घी का विशेष ध्यान रखें कि हमको इतना मोइन देना है कि वो मुट्ठी बन जाए इस तरीके से। तो आप कम ज्यादा घी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, मैंने अच्छे से इसको मिला लिया है और ये देखें इसमें मुट्ठी बनने लगी है। तो ये इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स करके और रोटी के आटे के जैसा लगा लेंगे। ये देखें, अब मैं इसको अच्छे से रोटी के आटे की तरह थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और मिक्स कर लूंगी। तो ये फ्रेंड आप देखें, ये मैंने जो हमारे चूरमे के लड्डू बनने वाले हैं उसका डो बना लिया है, और बहुत टाइट नहीं किया है और बहुत सॉफ्ट नहीं है। आप देखें इसको, बहुत टाइट नहीं है और बहुत सॉफ्ट नहीं है। इसको मैं करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख रही हूँ। सो फ्रेंड आप ये देखें, हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी नमक। नमक हम पहले से इसलिए नहीं डालते क्योंकि कढ़ी फटने का बहुत चांस रहता है, इसलिए ये नमक मैं लास्ट में डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा मुझे इसमें गरम मसाला डालना है, बस जस्ट एक चुटकी भर। ये देखें फ्लेवर के लिए ये गरम मसाला डाल के अब इसकी गैस मैं बंद कर दूंगी। तो ये हमारी दाल बाटी बाफले के साथ खाने के लिए कड़ी हो गई है रेडी। सो फ्रेंड्स, अब हम बनाने जा रहे हैं बढ़िया एकदम रिच आलू की सब्जी। इसके लिए सबसे पहले मैं ले लेती हूँ इसमें अच्छे से ऑयल, करीब 2-3 टेबल स्पून। ये मैंने लिए हैं आलू, 4 आलू लिए हैं, जो ये 4 आलू लिए हैं और इनको ऐसे स्लाइस में मैंने मोटी मोटी स्लाइस में काट लिया है। ये देखें, तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल, और ये टमाटर मैंने चॉप्ड कर लिए हैं अच्छे से। ये देखें हल्का सा मैंने इनको पीस लिया है, बहुत चिकना नहीं किया है, ये दरदरा है। तो इसे हम बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, और जो ये खड़ा वाला धनिया था ना हमारा, जो हमने दरदरा किया था, वो धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ। और साथ में मैं डाल दूंगी इसमें अदरक और हरी मिर्ची का कुटा हुआ ये पेस्ट। तो ये अदरक हरी मिर्ची हो गया इसमें। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। ये देखें इसमें ये मैंने चुटकी भर डाल दिए हींग, और बहुत थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, बहुत थोड़ी सी। और ये करीब मैं 2 टमाटर का इसमें ये डाल दूंगी। ये करीब 2 टमाटर के करीब मैंने इसको ले लिया है। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे ऑयल छोड़ने तक। तो फ्रेंड ये देखें आप, ऑलमोस्ट टमाटर 50% हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ घर की मलाई। अगर आपके पास खोआ है तो आप खोआ भी, मावा भी डाल सकते हैं, और मेरे पास मावा नहीं था तो मैंने इसमें डाल दिया है, डाल दिए मलाई। ये आप देखें, हमें अच्छे से रिच सब्जी बनानी है तो इसमें मलाई खोआ ये सब आप डाल सकते हैं। दही हम बाद में डालेंगे क्योंकि फिर आलू हमारे पकेंगे नहीं। तो इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। ये देखें ये मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। साथ में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा इसमें नमक। ये देखें स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दें इसमें, और इसे पकने के लिए रख दें धीमी आंच पे। ये देखें जब ये थोड़े पक जाएंगे फिर हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। तो
तो फ्रेंड ये चूरमा के लड्डू के लिए मैं आटा जो हमने माड़ा था उसको इस तरीके से हथेली में दबा के इस तरीके से इसको ऐसे कर लेंगे और इसको हम करेंगे डीप फ्राई। इस तरीके से इसको हम दबा देंगे, इसको मुठिया बोलते हैं। तो ये देखें आप, ऐसे ऐसे दबा के और इसे ऐसे करके और इसे हम घी में फ्राई करेंगे धीमी आंच पे। ये हमें धीमी आंच पे ऐसे करना है। ये देखें, इस तरीके से मुट्ठी में दबा के और इसको पतला कर देना है और धीमी आंच पे हम इसको सेक लेंगे। जो हमने इसमें कढ़ाई में घी डाल दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ, और उसमें इसको सेक लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड ये मैं इसमें अपनी मुठिया डाल रही हूँ जो मैंने बनाई हुई थी चूरमे के लिए, और इन्हें धीमी आंच पे हम अच्छे से भून लेंगे। एकदम धीमी आंच पे बनाना है जिससे ये अंदर तक से बढ़िया पक जाए। ये देखें, ये मैंने देसी घी लिया है और आप देसी घी में ही बनाएं, इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है। तो अगर हो सके तो आप इसे देसी घी में ही बनाएं, तेल में ना बनाएं। अब इसे करीब करीब 15 मिनट लगेंगे, धीमी धीमी मठरी की तरह हम इसे धीमी आंच पे भूनेंगे। सो फ्रेंड ये देखें, ये हमारे मुठिये बहुत अच्छे से भुन गए हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैं इनको सबको निकाल लूंगी। ये देखें कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है इसका, बहुत अच्छा कलर आया है। और मैंने इनको धीमी आंच पे बनाया है और बीच में से इनको मैंने तोड़ भी दिया था जिससे ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अब ये ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में अच्छे से चला लेंगे। तो ये सब मैं निकाल लेती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। ये देखें फ्रेंड, ये सारे मुठिये हमारे बहुत ही अच्छे ब्राउन कलर के तैयार हो गए हैं धीमी आंच पे। और अब इसे हम ठंडा होके और फिर मिक्सी में पीस के और फिर बाद में लड्डू बनाएंगे। सो फ्रेंड, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं राजस्थान की मसूर लहसुन की चटनी। उसके लिए सबसे पहले मैं अच्छा खासा इसमें 3 से 4 टेबल स्पून तेल ले लूंगी और तेल के साथ ही मुझे इसमें डालना है करीब करीब 1 टीस्पून जीरा। लहसुन की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, अगर आप दाल बाटी के साथ खाएं या थेपले के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, हर किसी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप जब ये दाल बाटी बनाएं तो लहसुन की चटनी जरूर बनाएं और बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी लगती है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 तेज पत्ते, आप देख सकते हैं ये 2 तेज पत्ते डाल रही हूँ। अब जब ये जीरा हमारा थोड़ा सा कड़क जाएगा तो इसमें मैं डालूंगी चॉप्ड की हुई, एकदम चॉप्ड की हुई ऑनियन। अब इसको अच्छे से सौते करना है। ये देख रहे हैं आप, जब ये हाफ करीब करीब हाफ फ्राई हो जाएगी उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी लहसुन। मैंने लगभग 1 कटोरी 1.25 कटोरी ली थी ऑनियन और 1 कटोरी मैं इसमें ले रही हूँ लहसुन। क्या आप देख सकते हैं, ये 1 कटोरी मैं इसमें ले रही हूँ लहसुन और मैंने ये छोटी वाली कटोरी जो ली थी वो इसमें थी प्याज। और लगभग 1 कटोरी के लगभग ही मैं इसमें ले लूंगी टमाटर, चॉप किए हुए टमाटर ले लेंगे। ये देखें, लगभग 1 कटोरी मैं इसमें डालूंगी टमाटर। और ये है मेरी कश्मीरी मिर्ची लाल, जो मैंने इसको गला के और इसका पेस्ट बना दिया है बीजे निकाल के, तो जो इसमें पड़ेगी। तो ये फ्रेंड देखें आप, प्याज लगभग 50% भुन गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 कटोरी लहसुन।
ये लहसुन भुन जाएगा, उसके बाद में इसमें डालेंगे हम टमाटर। थोड़ा सा लहसुन को और 50% भून लेते हैं, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर। ये लहसुन की चटनी को आप आराम से फ्रिज में रख के 10 से 15 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखें आलू ऑलमोस्ट पक गए हैं। अब इसमें मैं सारे अपने मसाले और दही वगैरह डाल दूंगी। तो ये देखें आप, सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ी चम्मच देगी मिर्च की, ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और धनिया हमने पहले ही डाल दिया था। अब साथ में इसमें मैं थोड़ा सा हंग कर डाल दूंगी, जो गाढ़ा गाढ़ा सा, करीब 1 से 2 टेबल स्पून। और साथ में मैं डाल दूंगी ये थोड़े से काजू और किशमिश, ये आप देख सकते हैं ये काजू किशमिश डाल रही हूँ उसमें थोड़े से। अब इसको हम अच्छे से चला देंगे, बहुत धीमे आंच से हमको इसको चलाना है। किसी तरीके की आप जल्दबाजी ना करें, नहीं तो वो आलू टूट जाएंगे और दिखने में फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे। ये आप देखें कसूरी मेथी डालने के बाद ही हमारे आलू का कलर कितना बहुत ही अच्छा आ गया है। बस हमारी ये सब्जी रेडी है। इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया से इसको गार्निश कर देंगे। ये मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। बहुत थोड़ा ही गरम मसाला डालना है, क्योंकि ये मेरा घर का बना हुआ है तो बहुत स्ट्रांग है। तो मैं इसमें बहुत थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ, और इसको मैं कर देती हूँ बंद। ये हमारी सब्जी आलू की एकदम बहुत ही टेस्टी और रिच सब्जी तैयार हो गई है। तो ये गैस मैंने बंद कर दी है, सब्जी हमारी एकदम रेडी है। सो फ्रेंड्स, आप ये देखें, ये लहसुन ऑलमोस्ट 50 से 60% तक पक गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपनी टमाटर जो चॉप किए हुए हैं बारीक बारीक, ये टमाटर चॉप किए हुए हैं बारीक बारीक, वो मैं इसमें डाल दूँ। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये जो मैंने कश्मीरी मिर्ची का पेस्ट बनाया है, वो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा टेबल स्पून। अभी इसमें हम डाल देंगे साथ में नमक स्वाद के अनुसार। ये देखें, अभी इसको धीमी आंच तक हम पकने रख देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के, जिससे क्या है सब जो हमने इसमें मटेरियल डाला है वो अच्छे से भुन जाएगा, जलेगा नहीं। ये देखें, अब इसको मैं करीब करीब 5 से 7 मिनट ढक के पका लूंगी। फ्रेंड्स, ये मैं बाटी बना रही हूँ, ये इसे आटे की ऐसे लोइयां बना के, पेड़ा बना के, और इसको हल्का सा अंगूठे से इसको दबा दे इस तरीके से। हमें ज़्यादा चिकनी नहीं करनी है बाटी, इस तरीके से इसको रोल करके, ये आप देखें रोल करके, बहुत चिकना ना करे, थोड़ी सी फटी वटी रहेगी तो ठीक रहेगा, जिससे वो फूलने में अच्छा काम करेगी। ये हल्का सा इसको ऐसे दबा दे। तो इस तरीके से अपनी सारी बाटी बना ले। मैंने तंदूर को गर्म करने के लिए रख दिया है गैस तंदूर को, और अब मैं इसकी अच्छे से सारी बाटियां बना रही हूँ, और बाफले भी हमारे तैयार रखे हुए हैं, जैसा कि आप प्लेट में देख सकते हैं। तो मैं इन सबको एक साथ ओवन में भूंज लूंगी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मैंने अपना तंदूर गर्म होने के लिए रख दिया था करीब 5 मिनट पहले, और ये अच्छे से गर्म हो गया है।
अब इसकी फ्लेम हमको धीमी करके अपने जो बाफले हैं, ये देखें ये बाफले, मैं इनको इस पर रख देंगे। कुछ बाफले तो इतने अच्छे बने हैं कि अपने आप ही दो पीस हो गए इनके, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से खिल गए। और बाकी ये बाटियां भी मैं इसमें लगा देती हूँ, ये देखें गैस तंदूर में बहुत अच्छे बनते हैं, ये गैस का ओवन है और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको हम धीमी आंच पर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए भुनेंगे अलल्टी पलटी करके। सो फ्रेंड ये देखें लहसुन की चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये आधा नींबू। तो ये देखें कितनी कलरफुल और बहुत अच्छी हमारी लहसुन की चटनी रेडी हो गई है। ये देख सकते हैं फ्रेंड बहुत अच्छा कलर आया है और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 15 दिन 10 दिन इसके लिए। उसमें आप नींबू की बजाय थोड़ा सा व्हाइट वेनेगर डाल दें तो वो उसमें फंगस नहीं लगेगी और सही बनी रहेगी। तो ये हमारी लहसुन की चटनी हो गई है रेडी। अब हम लगाएंगे दाल में तड़का। सो फ्रेंड अब मैंने ये जो मिक्स दाल बॉईल की थी अब इसमें मैं लगाने जा रही हूँ तड़का। इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 1 बड़ा टेबल स्पून देसी घी का, साथ में मैं इसमें डाल दूंगी हींग। ये देखें ये हींग मैंने डाल दी है। 1 बड़ी चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे जीरा। ये है अदरक और हरी मिर्ची कुटी हुई, इसको थोड़ा सा हिला देंगे। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता और साथ में मैं डाल दूंगी इसमें ये देगी मिर्च। बस ये दाल में बहुत ही सिंपल तड़का लगता है। बस ये हमारी दाल का तड़का हो गया। अब इसमें हम अपनी दाल को डाल देंगे। ये देखिए ये दाल हमारी रेडी हो गई है। दाल बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, एक सी लेनी है हमें, ना बहुत गाढ़ी और ना बहुत पतली। तो ये देखें दाल का कलर भी कितना अच्छा आया है और ये दाल हमारी ऑलमोस्ट फुल तरीके से हो गई है रेडी। इसे धनिए से और गरम मसाले से हम इसे गार्निश करेंगे। थोड़ा सा स्वाद के अनुसार मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला, बहुत थोड़ा ही डालेंगे। ये देखें बहुत 1-2 चुटकी में गरम मसाला इसमें डाल रही हूँ। नींबू इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, आधा नींबू का रस, या आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, जैसा जिसको चाहिए उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। ये देखें ये बहुत अच्छी और बहुत ही सिंपल दाल है जो दाल बाटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। सो फ्रेंड्स ये देखें आप जो हमने मुठिया बनाई थी चूरमे के लड्डू के लिए, वो मैंने छोटा छोटा इनको अच्छे से कर लिया है और अब फाइनली मैं इसको मिक्सी में चला लूंगा। इसमें हमें मिक्सी में बारीक पीसना है और फिर उसके बाद हम इसको छान के और तैयार करेंगे। तो फ्रेंड ये देखें ये मैंने चूरमे का जो मुठिया थी उसको अच्छे से पीस लिया है और ये देखें इस तरीके से ये हो गया है रबा रबा सा। तो इसको मैं इसमें जार में निकाल लेती हूँ। ये देखें ये इस तरीके से हो जाएगा पीसने के बाद। ये देखिए ये पीसने के बाद इस तरीके से ये हो जाएगा। इस तरीके से हमें पीसना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, जिसे रवे की तरह से ये रहे। अब इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को भून के डाल दूंगी।
ये आप देखें, ये ड्राई फ्रूट को मैं भून रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी घी और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चिरौंजी। आप देख सकते हैं ये चिरौंजी डाल रही हूँ और एक टेबल स्पून के करीब बादाम डाल रही हूँ और लगभग एक टेबल स्पून के करीब ही मैं इसमें डाल दूंगी पिस्ता। ये देखें आप, ये मैंने डाल दिया इसमें पिस्ते। इनको हम अच्छे से सौते कर लेंगे, हल्का सा अल्टी पल्टी कर लेंगे तो इसमें क्रंचीनेस आ जाएगी। धीमी आंच पर ही करें, ये जल ना जाए। ये देखें आप, इनको एकदम धीमी आंच पे ही थोड़ा सा क्रंची कर लें। और ये है थोड़ा सा काजू और किशमिश, तो वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से हम थोड़ा सा क्रंची कर लेंगे। हल्का सा इन्हें 2 मिनट के लिए हमको वार्म करना है। थोड़ा सा इसमें मैं घी और ऐड कर रही हूँ जिससे ये फटाफट जल्दी से हो जाएंगे और घी की जरूरत हमें लड्डू में और भी पड़ेगी। एक तरफ आप देख रहे हैं ये बाटी हमारी बन रही है, बहुत अच्छी बाटी तैयार हो रही है, काफी अच्छी फूल गई है। मैं एक बार आपको इस बताती हूँ, ये देखें, और बाटी का भी देखें कितनी अच्छी, बहुत ही अच्छी बन रही है और बहुत अच्छी सिक रही है। ये देखें आप, बाफले भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं, ऑलमोस्ट ये रेडी हो गए। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बाफले और ये बाटी बन गए हैं हमारे। इधर ये आप देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट हो गए हैं रेडी। अब मैं इनको डाल दूंगी अपने लड्डू के। अब जो हम चूरमे के लड्डू बना रहे हैं ये हम उसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई कटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आपको सीधा लाइव दिखा रही हूँ। ये देखें, ये मैंने इसमें होल कर लिया है और अब मैं इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। थोड़ा सा इनको घी में भूनने के बाद इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो आप इसमें ये डाल दें और साथ में डालें इसमें बूरा। मिठाई के मिठास के लिए हम इसमें डाल रहे हैं बूरा। आपको जितना मीठा चाहिए आप उतना मीठा ले सकते हैं। आप अंदाज कर लें, लगभग 2 से 3 कटोरी में हम 1 कटोरी बूरा लेते हैं। तो आपको जिस तरीके की ज़्यादा कम मिठास से चाहिए उस हिसाब से इसमें आप डाल सकते हैं बूरा। और ये हमारे चूरमे के लड्डू तैयार हो जाएंगे। मैं इनको अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल है, एकदम ट्रेडिशनल, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं बताया मैंने आपको और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और सब लोग खा के देखिएगा। ड्राई फ्रूट्स आपको जितना डालना है आप डाल सकते हैं, नहीं डालना नहीं डालना,
हो तो आप नहीं डालें, ये सब ऑप्शनल है। लेकिन इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद में अच्छे से दबा दबा के इसको मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसके बांध लेंगे लड्डू। सो फ्रेंड्स, ये देखें दाल बाटी की हमारी थाली बिल्कुल रेडी हो गई है। ये बाटी है, ये कितनी अच्छी से देखिए फट गई है और बहुत अच्छे से पक गई है। इसको हल्का सा दबा के मैं घी में डिप कर दूंगी। ये देखें, ये बाटी अच्छे से एकदम मैंने सेक ली है और ये देखें किस तरीके से फूल गई है, चारों तरफ से ये फट गई है। और अब इसको हल्का सा दबा के और इसे हम घी में डिप कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप बाफला देखेंगे तो ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है, क्रिस्पी भी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो इसको भी मैं इसमें घी में डाल रही हूँ। ये एक और आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए बाफला कितना एकदम सॉफ्ट और मुलायम बना है। तो इस तरीके से इनको हम एक मिनट के लिए थोड़ा सा घी में रख के और फिर सर्व करेंगे। तो ये देखें, ये बाटी को इस तरीके से इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए, ये बाटी हमारी रेडी है। अब साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ ये बाफला। और इसी तरीके से घी में हमें तर होके खाना है, तभी इसका दाल बाटी का असली मजा है। ये आप देखें, ये मैंने इसमें ये घी के साथ ही बढ़िया से बाटी और बाफले रख दिए हैं। सो ये हमारी तैयार हो गई है दाल बाटी, बाफला, लड्डू, लहसुन की चटनी, दाल, और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप एंजॉय करें, खाएं और सबको खिलाएं। फ्रेंड्स, हम लोग दाल बाटी के साथ में अगर कुछ और इसमें आइटम मिला देते हैं, जैसे कि छाछ, कचुंबर, छुकी हुई मिर्ची हमारी, पुदीने की और हरी धनिया की चटनी, और ये चार पांच आइटम अगर हम और इसमें मिला देते हैं तो दाल बाटी का दुगना मजा आता है। तो ऐसे ही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि हम क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ पापड़ चूरी। इसके लिए मैंने पैन को गर्म कर लिया है और सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल के और प्याज को ब्राउन करने के लिए रख दूंगी। ये मुझे धीमी आंच पर ही करनी है, ज्यादा तेज आंच पर नहीं करनी, और इसको मैं ब्राउन होने तक अच्छे से भून लूंगी। जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं, ये ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। और दूसरी तरफ मैं, आप ये देख सकते हैं, ये घर के बने पापड़ हैं। आप लिज्जत पापड़ या कोई भी पापड़ ले सकते हैं। ये करीब मैंने 6 पापड़ लिए हैं, ये आप देख लें। और ये पापड़ों को मैं रोस्ट कर लूंगी। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि अब जब इसमें ऑनियन और घी डालेंगे तो रोस्ट से ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो आप रोस्ट कर लें और आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो मैं, ये ऑनियन हो रही है, इसके साथ ही साथ में मैं एक तरफ पापड़ को भी भून रही हूँ। ये देखें, ये दूसरी तरफ मैंने अपनी ऑनियन रख दी है और वन साइड में पापड़ को भून रही हूँ। ये हम गैस पे इसको अच्छे से सेक लेंगे। हमें इन्हें अच्छे से भून लेना है। इस तरीके से आप सारे पापड़ों को अच्छे से भून लें और ये ठंडे होने पर हम इनको अच्छे से क्रश कर लेंगे, तोड़ लेंगे छोटा छोटा।
आप चाहें तो पापड़ को माइक्रो ओवन में भी भून सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे पापड़ भून जाते हैं, और आप चाहें तो इसे गैस पर भी भून सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे मैंने पापड़ भून लिए हैं और ये मेरी ऑनियन फ्राई हो रही है। ऑनियन को हमको धीमी आंच पर और ब्राउन होने तक भूनना है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से, इसे जलाना नहीं है लेकिन गोल्डन ब्राउन करने तक भूनना है। सो फ्रेंड्स आप देखें ये मैंने पापड़ को अच्छे से चूर लिया है, एकदम बारीक बारीक चूर लिया है, ये देखें आप। और अब इसमें मैं डालूंगी ये अपनी प्याज मेरी जो एकदम ब्राउन हो गई है, एकदम क्रिस्पी प्याज हमारी हो गई है रेडी। तो अब हम इसको डालेंगे, इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा डालेंगे धनिया, हरा धनिया डालूंगे, और थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी ये चाट मसाला, ये देखें आप, ये मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा, आधी टीस्पून चाट मसाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये हमने चाट मसाला डाल दिया है, साथ ही मैं डाल रही हूँ ये लाल देगी मिर्च, आप देख सकते हैं ये लाल देगी मिर्च इसमें मैं डाल रही हूँ, ये कलर के लिए है ना कि टेस्ट के लिए। तो आप 6 पापड़ में आधी चम्मच देगी मिर्च डाल सकते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्याज हमारी पूरी गोल्डन हो चुकी है, और अब मैं इस प्याज को इसमें डाल दूंगी। ये देखें आप, ये प्याज को मैंने पूरा इसके अंदर डाल दिया है। खटाई के लिए हमने इसमें चाट मसाला डाला है, अब इसको हम अच्छे से कर लेंगे टॉस, अच्छे से मिला लेंगे, तो ये हमारी पापड़ चूरी हो जाएगी रेडी। ये देखें, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, आप जरूर इसे दाल बाटी के साथ या चावल रोटी के साथ किसी के भी साथ अगर बना के खाएंगे तो ये बेहद ही टेस्टी लगती है। तो पापड़ चूरी अगर घर में बनी रहती है तो आप किसी के भी साथ इसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये अच्छे से मिलने के बाद मैं इसमें ऊपर से डालूंगी 1 चम्मच घी या बटर, जो आप डालें वो बेटर होगा, आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। ये देखें, ये देखें, मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ घी, घी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। ये मैंने घी डाल के इसको वापस से एक बार चला दूंगी। तो ये हमारी पापड़ चूरी हो गई है रेडी, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास हमारी पापड़ चूरी रेडी हो गई है। तो सेकंड आइटम मैं बनाने जा रही हूँ बेसन और राई की मिर्ची। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसमें ले रही हूँ थोड़ा सा तेल, ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने ले लिया है थोड़ा सा तेल, ये तेल थोड़ा हमें इसमें ज्यादा ही लगेगा, ज्यादा ड्राई नहीं बनेगी। और इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी राई और हींग। तो ये राई वाली मिर्ची मैं बनाने जा रही हूँ और जो बहुत ही अच्छी लगती है हमारे दाल बाटी चूरमा के साथ में। तो ये तेल गर्म हो जाएगा तो ये इसमें मैंने राई डाल दी है, साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, ये आप देख सकते हैं ये मैंने हींग डाल दी है, और साथ में ही बहुत थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ। बेसन के साथ में सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है ये बात। और ये बहुत थोड़ा सा 1 टीस्पून है बेसन, तो मैं ये बेसन को भी इसमें डाल दूंगी और इसको बस थोड़ा सा अल्टी पल्टी करके
ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने अल्टी पल्टी कर लिया बेसन को, जिससे बेसन का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। और साथ में थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, ये धनिया पाउडर और ये मिर्ची, देगी मिर्च कलर के लिए। ये होने के बाद में हम डाल देंगे डायरेक्ट इसमें अपनी कटी हुई मिर्ची। ये ज्यादा तीखी मिर्ची नहीं है, आप देख सकते हैं मैंने इसको लंबा लंबा काट लिया है और ये बहुत तीखी नहीं है, तो इनको मैं इसमें डाल दूंगी। ज्यादा हमें इनको नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा अल्टी पल्टी करना है जिससे ये अच्छे से हो जाएंगे। और खटाई के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर हमें अच्छे से डालना है जिससे खट्टा अच्छा हो जाएगा तो तीखापन कम लगेगा। तो ये मैंने डाल दिया इसमें अमचूर पाउडर। थोड़ा सा मैं इसमें दूंगी पानी के छींटे, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, बहुत थोड़ा सा, जिससे जो हमने बेसन डाला है वो थोड़ा सा फूल जाएगा। ये देखिए दो चुटकी मैंने इसमें पानी डाल दिया है, इससे हमारे मसाले भी नहीं जलेंगे और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। ये आप देख सकते हैं, इन्हें हमें ज्यादा ड्राई नहीं बनाना है, इसी तरीके से रखना है। ये देखें, ये मिर्ची हमारी रेडी हो गई है। लास्ट में इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। ये इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक। ये देखें मिर्ची बहुत ही बढ़िया बनी है। आप कभी भी पूरी, पराठे, थेपले, मीसा पराठा, सादा पराठा किसी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मिर्ची बिल्कुल रेडी हो गई है, अब मैं इनको निकाल रही हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड मैं बनाने जा रही हूँ कुचुमर, जो सलाद है। इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है थोड़ा सा टमाटर, ये है एक टमाटर, ये है एक ककड़ी कटी हुई, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप चाहें तो इन्हें कस भी सकते हैं, कद्दूकस कर सकते हैं। ये है शिमला मिर्ची, ये है ऑनियन, और साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है धनिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, ये सफेद नमक है, और ये है ब्लैक पेपर, वो ब्लैक सॉल्ट, ये काला नमक है, और ये थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा। बहुत सिंपल है और बहुत ही ट्रेडिशनल है और खाने में उतना ही बेहतरीन है। एक चम्मच में इसमें डाल दूंगी नींबू का रस और थोड़ी सी इसमें डाल देंगे देगी मिर्च, बहुत थोड़ी सी डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी, आप अपने स्वाद के अनुसार इसे डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से टॉस करके और दाल बाटी बाफला के साथ में इन्हें देंगे तो हमारा जो स्वाद है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो आप देखें ये हो गई है बिल्कुल सलाद रेडी। यही सलाद बहुत अच्छा लगता है, एकदम सिंपल, क्योंकि खाना हमारा इतना घनिष्ठ हो जाता है, दाल बाटी और बाफले में इतना घी होता है, तो कुछ चीजें ही ऐसी होती हैं जो डाइजेशन में हमको हेल्प करती हैं। तो ये धनिए से मैंने इसको गार्निश कर दिया है और आप देख सकते हैं ये सलाद हमारा बिल्कुल बढ़िया कलरफुल सलाद तैयार हो गया है। तो ये सलाद आप जरूर बनाएं और बहुत ही टेस्टी लगता है और अच्छा लगता है, तो ये सलाद आप जरूर बनाएं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं बना रही हूँ छाछ, वो भी बहुत सिंपल है। ये मैंने एक बाउल ले लिया है दही, आप देखें ये एक बाउल मैंने ले लिया है इसमें दही जार में, और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून जीरा। ये देखें हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया जीरा,
सॉल्ट स्वाद के अनुसार, ये व्हाइट सॉल्ट है, साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें ब्लैक सॉल्ट, आप देख सकते हैं ये ब्लैक सॉल्ट है, और फ्रेशनेस के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा हुआ पुदीना, आप देखें ये सूखा हुआ पुदीना है, जब पुदीना बहुत आता है तो हम इसे सुखा के और फिर अच्छे से छान के और रख लेते हैं, तो ये छाछ में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो मैंने इसमें ये डाल दिया है पुदीना, और साथ में मैं करीब करीब 4 कटोरी इसमें पानी डाल रही हूँ, करीब 4 बाउल के करीब, और इसको मैं ब्लेंडर से अच्छे से चला दूंगी। ये देखें फ्रेंड, अब इसमें हम डाल देंगे बर्फ, बर्फ डाल देंगे तो ये छाछ हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पेट को आराम दे रहेगी और बहुत ही अच्छी लगती है। मैं आपको बताती हूँ कि आप दाल बाटी के साथ या खाने के साथ छाछ जरूर दें। तो ये हमारी छाछ रेडी हो गई है, पतली छाछ है, बहुत गाढ़ी छाछ नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। ये देखें ये छाछ मैंने बनाई है और बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी है, तो ये दाल बाटी के और उसके साथ में जरूर बनाएं, जो आपको एक फ्रेशनेस देगी और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगी। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं धनिया पुदीने की एकदम फ्रेश चटनी। ये मैंने ले लिया है इसमें धनिया, ये आप देखें, ये मैं ले रही हूँ इसमें धनिया थोड़ा सा, अच्छे से हमें धनिया लेना है और उससे आधा मुझे लेना है पुदीना। चटनी हमें ज्यादा गाढ़ी नहीं, वो ज्यादा पतली नहीं करनी है, इस बात का आप ध्यान रखें, और ये मैं ले रही हूँ साथ में पुदीना, और ये है मेरी 2 मिर्चियां, ये आप देख सकते हैं ये है 2 मिर्चियां, और ये मैं ले रही हूँ पुदीना। इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे नींबू का रस, ये 1 नींबू का रस है, ये पूरा मैं इसमें डाल रही हूँ, साथ में डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, सादा नमक है ये, मैं डाल रही हूँ काला नमक, और ये 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें जीरा, भुना हुआ जीरा, और बहुत थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे अदरक, थोड़ा सा ही अदरक डालना है हमें, बहुत ज्यादा नहीं डालना, फ्लेवर के लिए बहुत थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, ये करीब 1/2 इंच का टुकड़ा है, ज्यादा नहीं है अदरक, आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा अदरक इसमें मैंने डाला है, और थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूंगी पानी, बहुत थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए, और अब हम इसको पीस लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये चटनी एकदम बढ़िया से रेडी हो गई है, चटपटी और बढ़िया खट्टी चटनी बनाई है। आप इसमें नींबू अपने अनुसार भी डाल सकते हैं, जितना तीखा और नींबू की खटाई आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चारों पांचों चीज़ें अगर हमारे एक्स्ट्रा खाने के साथ रहती हैं तो खाने का दुगना मजा आ जाता है और सब लोग बहुत एंजॉय करके खाते हैं, तो आप ये चीज़ें जरूर बना के रखें। आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं, लाइक चटनी है, मिर्ची है, और छाछ तो हमें हल्की हल बनाना पड़ता है, कचूमर छाछ जो भी है वो हम हल्की हल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये 5 आइटम हमारे रेडी हो गए हैं, और ये कोई भी आप जब भी घनिष्ठ खाना बनाएं बहुत घी का या ऑयली, तो ये 4-5 आइटम को अगर आप रखेंगे तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। ये है हमारी पापड़ चूरी, ये है सलाद, ये है हमारी बेसन की छुकी हुई मिर्ची, ये मैंने बनाई है एकदम चील्ड छाछ, और ये है धनिया पुदीने की ग्रीन चटनी। तो इन सबको आप अच्छे से एंजॉय कीजिए और खाने का डबल मजा लीजिए। थैंक यू।